तो दोस्तों, आप भी बजट सेगमेंट में 4K क्वालिटी रिकॉर्ड करने वाला पॉकेट गिम्बल कैमरा ढूंढ रहे हो तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो लकी डॉग्स, मैं हूं आपका कार्तिक। सो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पॉकेट गैजेट दिखाने वाला हूं जिसमें 1080p से लेकर 4K तक भी वीडियो शूट कर सकते हैं और जबरदस्त क्वालिटी में। सॉरी, ये नहीं है। हाँ, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो दोस्तों, ये है इजी कंपनी का आयरिस पॉकेट कैमरा। सो इसके बारे में अनबॉक्सिंग वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुका हूँ, वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर चेक करिएगा। सो इसके बारे में क्या क्या खासियत है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये इतने बजट में इतना जबरदस्त क्वालिटी कैसे दे सकता है, वो मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा। बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, बॉक्स में हमें मिल जाते हैं इजी आयरिस पॉकेट कैमरा और एक उसका रिमोट हैंडल। सो पहले हम इजी आयरिस पॉकेट कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये एक 3-एक्सिस पॉकेट गिम्बल कैमरा है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया का पहला डिटैचेबल पॉकेट गिम्बल कैमरा है। तो इसके बारे में बात किया जाए तो हमें इसके ऊपर हिस्से में हमें एक पावर बटन मिल जाता है और 0.42 इंच का हमें छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है और एक उसके बाजू में मोड बटन और उसके पीछे हमें शटर बटन। सो यहाँ इजी आयरिस की ब्रांडिंग आती है पीछे से और बाजू में हमें मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। सो मेमोरी कार्ड स्लॉट हमें बॉक्स में नहीं मिलता, हमें अलग से खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, याद रखना, ये एक 4K कैमरा है, इसीलिए हमें UHS का स्पीड ग्रेड 3 का माइक्रो SD कार्ड खरीदने डालना पड़ेगा, तो ही ये सब कैमरा सपोर्ट करेगा 4K वीडियोस को। और हम इसमें 512 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और इसके आगे के हिस्से में हमें मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट और एक माइक। तो हम इसी चार्जिंग पोर्ट से रिमोट हैंडल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इस कैमरा में हमें 1 इंच का CMOS सिनी सेंसर मिल जाता है जो कि ज़बरदस्त शूट करता है। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो मक्खन ही मानो। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बोला था, ये इंडिया का पहला पॉकेट डिटैचेबल गिम्बल कैमरा है, तो इसे हम जहाँ कहीं भी लगा सकते हैं इस कॉर्डलेस मैग्नेटिक माउंट के द्वारा। तो बस हमें इसे ऐसे बिठा देना है और चलो, ये तैयार है। और इसके साथ हमें एक ट्राइपॉड भी आता है जो कि ज़बरदस्त क्वालिटी का है, तो हम इजीली इसे माउंट कर सकते हैं जा के भी हम चाहे। तो दोस्तों, बॉक्स में हमें ऐसे दो बैंड मिल जाते हैं, एक होता है विस्ट बैंड और एक होता है आर्म बैंड। सो मेरे विस्ट को आप देख सकते हैं, हम कैमरा को ऐसे भी माउंट कर सकते हैं और इस बैंड की मदद से हम आर्म पे भी माउंट कर सकते हैं। तो इस कैमरा को और इस बैंड की मदद से हम जा के भी माउंट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। और अब हम बात करते हैं इसके रिमोट हैंडल के बारे में। तो दोस्तों, ये है इसका रिमोट हैंडल। सो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है 1.5 इंच का एक टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि फुल्ली कलरफुल और HD होता है। और इसके नीचे हमें मिल जाता है एक जॉयस्टिक और इसके नीचे एक शटर बटन, उसके बाजू में हमें मोड बटन और इसके नीचे एक स्लाइडर मिल जाता है वो कि जूम करने के लिए बहुत ही काम आता है। और इसके बाजू में देखें तो हमें पावर बटन मिल जाता है और इसके पीछे हमें एक सी टाइप का पिन मिल जाता है जो कि गिम्बल को कनेक्ट कर सकते हैं। हम बिना कनेक्ट किए भी गिम्बल को यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसके बाजू में एक चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है और इसके नीचे हमें एक माइक मिल जाता है जो कि मक्खन आवाज़ देती है, मक्खन आवाज़ रिकॉर्ड करती है। और दोस्तों, इस कैमरे की स्पेशलिटी ये है कि हम इन दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों में अलग अलग कंट्रोलर्स दिए गए हैं। और एक कैमरा को अलग जगह लगाने के लिए एक ट्रैपॉड दिया गया है, कहाँ पे भी कैमरा को माउंट करके इस रिमोट हैंडल के द्वारा हम रिकॉर्ड और कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों को कनेक्ट करके यूज़ करेंगे। तो पहले हमें इस रिमोट हैंडल में इसका कैप निकाल देना है और हमें इस कैमरा में एक कॉर्डलेस मैग्नेटिक माउंट भी निकाल देना है। वो कैसे निकालना है आप ध्यान से देखिएगा। ये सी टाइप की तरफ आपको नीचे हैंड लगा के पुश करना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। और अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बटन आ रहा है, ये बटन की और यहाँ पे एक इसके हिसाब से एक शेप भी आ रहा है, तो उसी शेप के हिसाब से आप बिठाइएगा। लगाने के बाद आराम से प्रेस कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैमरा रेडी, अब इसे ऑन करते हैं। तो ऑन बटन यही मिल जाता है। तो देखिए, हमारा कैमरा ऑन हो गया। और अगर हमको इसको कहीं पर रखना है तो इजीली हमें नीचे एक माउंट दिया गया है
तो इस शबोर्ड को इसमें प्लेस कर दीजिएगा। तो अब हमारा कैमरा रेडी, और हमें इसमें रिकॉर्ड करने के लिए कई मोड मिल जाते हैं, जैसे कि फोटो मोड, ये 12 मेगापिक्सल से रिकॉर्ड करता है, और ये है वीडियो मोड, और हमें इसमें स्लो मोशन भी मिल जाता है, और सबका फेवरेट टाइम लैप्स, और हम इसमें पानोरामा मोड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये एक 3 एक्सिस गिम्बल है, इसीलिए हमें इसमें 3 तरह के मोड मिल जाते हैं। तो एक होता है फॉलो मोड, और एक होता है ऑल फॉलो मोड, इसे हम FPV के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है पैन मोड, और एक मोड होता है रिसेंडर मोड। तो पैन मोड में ये होता है कि ये हम जैसे भी डिस डायरेक्शन में भी हम इसमें घुमाते हैं उसको फॉलो करता है। और ऑल फॉलो मोड में हमें FPV मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो हम इसे जैसे भी चाहे वैसे घुमा सकते हैं। तो इसका 3 एक्सिस गिम्बल एक्टिवेट होने के बाद में हर डायरेक्शन में ये कैमरा आसानी से घूमता है। और दोस्तों इसके पैन मोड में ये होता है कि हम सिर्फ लेफ्ट और राइट आसानी से घुमा सकते हैं, और जब हम ऊपर चाहे तो ऊपर नहीं घुमा सकते। और दोस्तों इसमें हमें 3 व्यूइंग एंगल मिल जाते हैं, एक है वाइड व्यूइंग एंगल, और एक है नैरो व्यूइंग एंगल, और एक है सुपर वाइड एंगल। और दोस्तों इसमें हमें एक फेस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं इसे। तो ये कैसे मुझको इजीली ट्रैक कर सकता है, सो सोलो क्रिएटर के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर हम शटर बटन को दबाकर पकड़ते हैं तो हमें वाईफाई ऑन हो जाएगा, तो इसकी मदद से हम इसके ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फ़ोन से भी इस कैमरा को कंट्रोल किया जा सकता है, और हम इस जॉयस्टिक की मदद से कैमरा को इजीली कंट्रोल करके जिस किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और अगर हमें इसको रिसेंटर पे लाना है तो मोड बटन को बस 2 बार दबाएं, तो ये अपने रिसेंटर मोड पे आ जाएगा, और जिस किसी भी मोड में अगर ये होगा तो 2 बार बटन दबाने से रिसेंटर हो जाएगा, और इसी मोड बटन को हम 3 बार दबाने से ये सेल्फी मोड में आ जाएगा, तो हम इजीली इससे व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक प्रोटेक्टिव कवर भी मिल जाता है, और ध्यान रखना ये एक वाटरप्रूफ का कैमरा नहीं है। तो दोस्तों इस पॉकेट गिम्बल कैमरा से मैंने कुछ वीडियो सैम्पल्स रिकॉर्ड किए, चलिए उन्हें दिखाता हूँ। सुन रहे हो ये इसके इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो देखिए कितना जबरदस्त वॉइस और क्लियर वॉइस इसमें रिकॉर्ड करता है ये। तो दोस्तों अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो हमें ये 750 mAh का बैटरी मिल जाता है इसमें, और इसके बैटरी बैकअप का टाइम हमें डब्बे पे 160 मिनट्स लिखा हुआ आता है, तो 140 मिनट्स ये क्लियरली हमें देता है। तो मैंने इसका टेस्ट भी किया है, तो 140 मिनट्स मुझे आसानी से आया। तो दोस्तों ये था इस पॉकेट गिम्बल कैमरा का फुल रिव्यू वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ डाउट क्लियर कर दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका कार्तिक, साइनिंग ऑफ।